जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका आपको आपके इस प्यार रिलेशनशिप जो अभी चल रहा है वर्तमान में, या कभी हुआ है, तो वो धोखा जो देते हैं उसके पहले पहले क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन सी चीज़ें जो हमें पता लग जाती है कि ये जो प्यार है हमारा लंबे वक्त तक नहीं चलेगा और ये हमें गुमराह कर रहे हैं और अब हमें इससे बाहर आना चाहिए। तो जो जो संकेत हैं, जो जो बातें हैं, उन बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और ये वीडियो बनाना इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि बहुत से लोग भावनात्मक रूप से, आप जो लोग हैं बहुत कोमल होते हैं, पर इन चीज़ों को आप सहन नहीं कर पाते, इन चीज़ों को आप नहीं समझ पाते हैं। तो इन बातों को यदि आप समझेंगे, इन बातों को यदि गंभीरता से आप सोचेंगे, तो जरूर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो को आप पूरा और अंत तक देखे चीज़ें आपको समझ आ सके। उससे पहले एक निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में आपको जय भोलेनाथ का नाम जरूर लिखें, क्योंकि ईश्वर हर जगह है और उसकी कृपा के बिना यहाँ कुछ भी संभव नहीं है। तीसरी बात है कि आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें, इसका शुल्क है, शुल्क पे करके आप बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जब भी कोई रिलेशनशिप में हम होते हैं और उसका उस रिलेशनशिप को किसी एक पक्ष की तरफ से ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, इन द सेंस सीधा सा कहने की प्यार में धोखा, तो वो है बेफिजूल का शक होना शुरू कर देना। पहली बात कि रिलेशनशिप 2 साल 6 महीने 8 महीने से बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एकदम से शक जो है वो इंक्लूड कर देना, दोषारोपण कर देना, मतलब विक्टिम कार्ड जिसे कह देते हैं ना, वो शुरू हो जाता है कि वहाँ ऐसा क्यों, वो ऐसा क्या। वो सीधा सा सेंस ये है कि वो इस रिलेशनशिप में अब आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो किसी भी कारण को, एक छोटी सी बात को मुद्दा बनाकर इसको खत्म करना चाहते हैं। तो उसमें एक बात मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की चीज़ें आप फेस कर रहे हैं तो उसको ख़त्म करने में ही सहूलियत है, क्योंकि वो इसलिए सहूलियत है दोस्तों कि जो व्यक्ति इस सिंपल सी बात को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा हो सकता है, तो लाइफ टाइम हम उसे किस तरह का सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरी बात है कि शक तो है इसे, दूसरी बात है केयर कम हो जाना, जो पहले केयर होती वो कम हो जाना, और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कई बार पैसों का उपयोग, जो कि आज के इस युग में बहुत सिंपल सा चलन चल रहा है, आपका पैसों का उपयोग कर लिया, आपके वक्त का उपयोग कर लिया और अपना काम निकल गया, तो बाहर हो गए और आप अपनी जगह पे खड़े रह गए। तो इस तरह के संबंधों को, जब संबंध चल रहा है तब इस चीज़ को ऑब्जर्वेशन कर ले कि क्या रियल में ही उन्हें इन सब चीज़ों की जरूरत थी या सिर्फ हमारा उपयोग हुआ है। चौथी और मुख्य बात होती है कि चीज़ों को छुपाना और एक अधिकार जताना, ये भी एक चीज़ें इसमें आ जाती है, तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। एक महत्वपूर्ण बात है कि आप प्यार जरूर करें, ईश्वर से जैसा प्यार करते हैं वैसे ही सबसे प्यार करें, लेकिन उसमें थोड़ी सी गुंजाइशें रखें चीज़ों को ऑब्जर्व करने की, तो ही आप चीज़ें सही समझ पाएंगे। आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।